जब दोस्तों कोई नया नया कंप्यूटर सीखना शुरू करता है तो उन सभी को दोस्तों प्रॉब्लम आती है कीबोर्ड में दिए गए सिंबल को यूज करने में, क्योंकि भाई वो एक की में दो दो सिंबल होते हैं, नंबर के साथ भी सिंबल होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैक कैमरा ओपन करके। तो गाइस ये रहा अपना कंप्यूटर और ये रहा अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप लोग देख लीजिए कि एक के साथ ये वाला सिंबल है, दो के साथ भाई एट द रेट है, तीन के साथ हैश है, यहाँ पर भाई क्वेश्चन मार्क दिया गया है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन मार्क को यूज करना चाहते हैं और इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ नोटपैड को, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको क्लिक करते हैं, देखो अभी तो खाली है, अभी हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला सिंबल आ जाएगा, इसमें जो छपा हुआ है क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो क्वेश्चन मार्क को यूज कैसे करना है या फिर इन सभी जो सिंबल दिए गए हैं नंबर में या फिर एक के साथ दो दो सिंबल इन्हें यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, हम दोबारा से क्लिक करके आपको दिखा देते हैं तो ये आएगा। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो शिफ्ट की दी गई है एक इस साइड में है और दूसरी शिफ्ट की दोस्तों इस साइड में है, तो इन दोनों में से हम लोग किसी भी एक शिफ्ट की को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और अभी क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बाकी सारे जो सिंबल दिए गए हैं उनमें भी वही सेम प्रोसेस है, केवल शिफ्ट को आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा जिस भी सिंबल को आप लोग यूज करना चाहते हैं। अगर इस वाले को यूज करना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो बिना शिफ्ट की को क्लिक करें एक बार क्लिक कर देना है तो ये लग जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क यूज करना है तो शिफ्ट की को दबा के रखें और फिर यूज करें तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये जो नंबर वाली की दी गई है इसमें भी भाई ये वाली शिफ्ट की यूज कर सकते हैं या फिर ये वाली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा और नंबर में दिया गया भाई इसको यूज करूंगा, दो नंबर पे एड्रेस है वो यूज करूंगा या फिर ऐसे ही क्लिक करूंगा बिना शिफ्ट की के प्रेस करे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अभी भाई हमें इसको यूज करना है एड्रेस को, तो यहाँ पर शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और एड्रेट पे क्लिक करेंगे तो एड्रेट लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भाइयों कीबोर्ड में जो सिंबल दिए गए हैं एक की में दो दो नंबर के साथ भी सिंबल उन्हें यूज कर सकते हैं।